नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि हमने कहा था आपसे कंटिन्यू रहेंगे, लेके आए एक नई सीरीज। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आईपीएल 2022 की बेस्ट जो प्लेइंग 11 है उसको प्रेजेंट करेंगे आप सबके सामने। सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आपका प्यार मिला। एक महीने में हम इतना एक्टिव नहीं रहे थे, फिर भी आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा और सब्सक्राइबर्स हमने लूज नहीं किए, सब्सक्राइबर्स हमने गेन किए हैं। तो जो हमारी जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थी उनको आपने इतना प्यार दिया तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आप सबका। तो कल फाइनल जीता गुजरात टाइटंस ने और अब जो है पूरी जो आईपीएल समापन समाप्त हो चुका है तो उसकी पूरी एक प्लेइंग 11 प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आज निशान भाई इस वीडियो में जुड़ नहीं पा रहे हैं तो वो एक बना के गए हैं प्लेइंग 11, तो उनकी पहले जानते हैं। तो यहाँ नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है। मैं मेरी आईपीएल की बेस्ट 11 बनाने वाला हूँ। बहुत ही मुश्किल काम होता है आईपीएल ख़त्म होने के बाद ही, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आती कि बेस्ट 11 किस तरह से बनाई जाए, क्या करी जाए, क्योंकि सबने अच्छी परफॉर्मेंस करी। तो मेरी जो बेस्ट 11 है वो थोड़ी सी अलग होने वाली। गुस्सा मत करना, आराम से प्यार से कमेंट से बताना कि आपकी क्या ओपिनियन है। तो एक तो ऑब्वियस चॉइस होने वाली है ओपनर जॉस बटलर, ऑरेंज कैप होल्डर जॉस बटलर ही जाने वाले हैं। उनके साथ जो ओपनिंग जोड़ी होगी मैं डेविड वॉर्नर को रखना चाहूँगा पर्सनली। बहुत लोग बोलेंगे केएल राहुल क्यों नहीं, तो डेविड वॉर्नर ने शुरुआत के मैचेस नहीं खेले और केएल राहुल ने 14 के 14 मैचेस खेले हैं और प्लेऑफ में भी खेले हैं। पर इंटेंट मुझे वॉर्नर का अच्छा लगा, जो उनका इंटेंट था, जो उनका इम्पैक्ट था, जो उनकी स्ट्राइक रेट थी वो एज़ बेटर लगी मुझे केएल राहुल से। क्योंकि शुरुआत के मैचेस वॉर्नर ने मिस भी करे थे पर परफॉर्मेंस आप देखो जो लगातार उनकी कंसिस्टेंसी आई थी। बीच में कुछ रन्स नहीं आते पर कंसिस्टेंसी उनकी मेन एक इशू नहीं रहा जो केएल राहुल के साथ रहा। और स्ट्राइक रेट भी बहुत लो था केएल का, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। पर मैं मेरी पर्सनली चॉइस है कि मैं डेविड वॉर्नर को रखना चाहूँगा, दो मेरे ओवरसीज हो जाएंगे यहाँ पे। नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी, अंडररेटेड प्लेयर है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, हैदराबाद की तरफ से भी इस सीज़न बहुत अच्छा गया इनका। तो नंबर 3 पे राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पे हार्दिक पांडे, ये मेरे कैप्टन भी होने वाले हैं। जिस तरह से इन्होंने सबका मुंह बंद करवा दिया, जो इनकी कॉन्ट्रोवर्सी जो इनको क्रिटिसाइज़ करा जा रहा था सब लोग अब चुप। तो नंबर 4 पे हार्दिक पांड्या, नंबर 5 पे मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मिलर आए, पर लिविंगस्टन एक ऐसा बंदा है कि जो मुझे रोक रहा है कि नहीं यार लिविंगस्टन को आना चाहिए। लिविंगस्टन बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग से जो उन्होंने इम्पैक्ट दिखाया है, जो लास्ट मैच था सीज़न का उसके अंदर भी शानदार खेले वो। उससे पहले भी एक मुझे मैच याद है राजस्थान के खिलाफ, तो उसके अंदर भी अच्छा खेला। तो लिविंगस्टन ने बहुत बढ़िया खेला है इस सीज़न, तो मैं लिविंगस्टन को रखना चाहूँगा नंबर 5 पे। नंबर 6 पे मैं मिलर को अब मैं घुसाना चाह रहा था पर मिलर आएंगे नहीं क्योंकि लिविंगस्टन आ गए। तो नंबर 6 पे दिनेश कार्तिक, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच अवार्ड भी इनको मिला है। दिनेश कार्तिक बढ़िया चॉइस है नंबर 6 पे। डीके को मैं रखना चाहूँगा नंबर 7 पे। अगर देखें तो मैं हसरंगा को रखना चाहूँगा नंबर 7 पे। स्पिनर भी हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं और सेकेंड लिस्ट पे हैं पर्पल कैप होल्डर की लिस्ट के अंदर। तो मेरे 4 ओवरसीज हो गए यहाँ पे कन्फर्म, हसरंगा, बटलर, वॉर्नर एंड लिविंगस्टन, जिसमें से मेरे पास 2 स्पिनर अभी तक आए गए। तो नंबर 7 पे हसरंगा, नंबर 8 पे मैं रखना चाहूँगा मोहसिन खान को। बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है मेरी, क्योंकि मोहसिन खान को आप लेट लेके आए थे पर उन्होंने जो इम्पैक्ट डाला है, जो उन्होंने विकेट्स लिए, 5 की इकनॉमी रही है जहाँ तक मुझे मेरी रिसर्च से 5 की इकनॉमी हुई है उनके पूरे आईपीएल के अंदर। आधे मैचेस खेला, आधे में चांस मिला नहीं था, पर जब वो आए, जब जब बढ़िया परफॉर्मेंस करी, पावर प्ले के अंदर लिए, इसी वजह से उनका शायद से इंडियन टीम में अभी सिलेक्शन भी हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं पर शायद से हुआ है उनका सिलेक्शन। तो मोहसिन खान को मैं रखना चाहूँगा, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते, बढ़िया प्लेयर है, पावर प्ले के अंदर बढ़िया यूटिलाइज़ करेंगे मोहसिन खान को। नंबर 9 अगर आप देखें तो नंबर 9 पे रखना चाहूँगा अर्शदीप सिंह को। डेथ बॉलर मैं इनको मान रहा हूँ क्योंकि अर्शदीप बहुत ही अंडररेटेड बॉलर है, इनकी कोई तारीफ होती नहीं है पर डेथ बॉलिंग ये बेस्ट करते हैं। तो अर्शदीप सिंह को मैं रखना चाहूँगा। नंबर 10 पे उमरान मलिक, अपने पेस रॉ पेसर 150 वाला भी चाहिए हमको टीम में, तो मैं उमरान मलिक को रखना चाहूँगा। लिस्ट जो आप देख सकते हैं पर्पल कैप की, उसके अंदर भी ये फोर्थ या फिफ्थ नंबर में बढ़िया प्लेयर हैं और जिस तरह से इन्होंने फास्टेस्ट डिलीवरी डाली, तो मुझे चाहिए उमरान मलिक मिडिल ओवर्स के लिए, तो उमरान मलिक को मैं रखना चाहूँगा। और लास्ट प्लेयर होंगे यूजी चहल, जो उनका वो पोज होता है, यूजी चहल को मैं लेना चाहूँगा। पर्पल कैप होल्डर हैं और बढ़िया प्लेयर हैं यूजी चहल, जिस तरह से उन्होंने कम बैक करके दिखाया इस सीज़न। तो ये मेरी पूरी 11 है दोस्तों, आपको कैसी लगी आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। कुछ लोग मे भी मेरे से सहमत नहीं होंगे तो कमेंट्स में बताना कि आपकी क्या राय है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा उनको। तो ये तो मेरी 11 हो गई है, मैं मानस की जानना चाहूँगा। मानस आप बताइए आपकी क्या 11 होने वाली है, थोड़ी सी मेरी इंटरेस्टिंग सी दी। और मैं आपको बता दूँ कैप्टन मेरे होने वाले हैं हार्दिक पांड्या और विकेट कीपर जॉस बटलर। तो मानस साहब आप बताइए। मेरे ओपनिंग कॉम्बोज में रहेंगे जॉस बटलर नो डाउट, साथ में केएल राहुल। केएल राहुल जिस तरीके से वर्सेटैलिटी के साथ इन्होंने खेला, आग लगा दी इन्होंने, सेकेंड रहे पर्पल कैप ऑरेंज कैप की दौड़ में।
थर्ड नंबर पे नो डाउट राहुल त्रिपाठी, हम दोनों की चॉइसेस एक सेम है क्योंकि मेरे को बाकी टीम्स में इतना दिखता नहीं है। बाकी लोग कह रहे थे तिलक वर्मा, मैंने देखा अभी नहीं, रुको इसको थोड़ा रोको, अभी एमरजिंग है। फिर बोले श्रेयस अय्यर का नाम लेना चाहा, पर श्रेयस अय्यर भी नहीं बैठे मेरी इस लिस्ट में। फिर ये बोल रहे थे कि धीरे धीरे करके आप नए नए यंग प्लेयर्स को जुगाड़ करें, संजू सैमसन का नाम भी रेकमेंड होके आया था, पर मुझे लगा राहुल त्रिपाठी एक ऐसा प्लेयर है जिन्होंने काफ़ी अच्छे इंटेंट के साथ उन्होंने खेला है। चौथे नंबर पे लियाम लिविंगस्टन, जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया है पंजाब की तरफ से खेला, ताबड़तोड़ पारियां खेली उन्होंने, और वो जो 127 मीटर का जो छक्का रहा अभी जहन में वो मेरे। पांचवे पे हार्दिक पांड्या, कप विनिंग कैप्टन, और छठे नंबर पे सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक, टीम इंडिया में इनका सिलेक्शन जो है अभी काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किया है इन्होंने। सातवें और आठवें पे वानिंडू वसरंगा और युजवेंद्र चहल रहेंगे। नौवें, दसवें और ग्यारहवें पे अब देखिए आपका पेस ट्रायो है, तो अब पेस ट्रायो में आपको देखना पड़ेगा कि पेस ट्रायो में इतना इफेक्टिव उभर के नहीं आ पाए पेसर्स में, पर फिर भी जिनको हमने चुना है उसमें एक है रबाड़ा, साथ में इनके मोहम्मद शमी। आप लोगों को कुछ रेकमेंड करेंगे, नटराजन आ गए, भुवनेश्वर कुमार आ गए, मुकेश चौधरी आ गए, जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं लिया, मोहम्मद शमी इस लिस्ट में आएंगे मेरी। साथ ही में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड गोज टू जिस बंदे को गया, उमरान मलिक, वो भी 11वें नंबर। देखिए जो है, पहले तो कमेंट्स मैं ही दे देता हूँ निशांत की प्लेइंग 11 को, जिन्होंने इस पे देखिए आप तीन रॉ पेसर्स के साथ गए हैं। मैं ऑब्वियसली अग्री करता हूँ जिस तरीके से इंटेंट छोड़ के गए हैं, छाप छोड़ के गए हैं, लेकिन सबसे मेन दिक्कत ये कि एक्सपीरियंस नहीं है पेस बैटरी में आपके पास। आपके पास अर्शदीप सिंह है, नो डाउट अनडाउटेडली बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने, आपके पे इन्होंने इसमें मोहसिन खान को रखा है, इन्होंने इसमें उमरान मलिक को रखा है। मैंने उमरान मलिक के साथ रबाड़ा और शमी की एक्सपीरियंस जोड़ी के साथ गया था, पर कहीं ना कहीं जो तीन जो पेस बैटरी है वो इसमें कहीं लैक हारी है। वार्नर के साथ ये गए, पर ठीक है, आप देखिए इस तरीके से फिर वार्नर के साथ ये गए, तो अगर आप 14 मैचेस का वो भी आस्पेक्ट भी लगा के चल लीजिए, तो वार्नर ने भी मान लीजिए 7-8 मैच खेले, एंड के जो मैचेस आ रहे थे उनमें थोड़ा फेल हो रहे थे वो वहाँ पे मारने में, स्कोर करने में, तो अगर वो 14 मैचेस भी खेल रहे थे तो एवरेज मेरे हिसाब से राहुल का ज़्यादा रहता, और इस कंपैरिजन में मेरे हिसाब से राहुल एक बढ़िया चॉइस रहे। बाकी मैं इनकी प्लेइंग 11 से सहमत हूँ जिस तरीके इन्होंने प्लेइंग 11 बनाई, और तो गाइस यही था, आप अपनी प्लेइंग 11 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें। तो मिलते हैं आपसे अगली बार ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड बाय।